से फार्मूला पूछ लिया जाए, है ना, थोड़ा बहुत तभी काम चलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले फार्मूला बताएंगे, कौन बताएंगे, हैप्पी राज। चलिए सबसे पहले यस सर, फार्मूला बताइए, बताइएगा कि क्लोज ऑर्गन पाइप में 10th हार्मोनिक का फार्मूला क्या होगा। क्लोज ऑर्गन पाइप में 10th हार्मोनिक, 20 20 20 ओवरटोन की सर फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक हार्मोनिक, अच्छा 21 बोलिए। वी बाई फोर एल 21 नहीं, वी बाई फोर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हार्मोनिक का मतलब ही फ्रीक्वेंसी होता है, ओवरटोन अलग टर्म होता है। आई बस समझ में, 10th हार्मोनिक ही फ्रीक्वेंसी कहलाता है आपका, ठीक है। चलिए तो आप माइक ऑफ कीजिए, दूसरे से पूछते हैं। चलिए सत्यम माही, चलिए वो नहीं बोलेंगे, प्रियांशी, यस प्रियांशी आप सर, बोलिए। आप बताइएगा क्लोज ऑर्गन पाइप में 5th ओवरटोन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, पांचवा ओवरटोन। क्लोज ऑर्गन पाइप में पांचवा ओवरटोन के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए। सर 6 × V/4L, क्लोज बोले थे ना, ओपन थोड़ी बोले थे, क्लोज में दुगना से एक ज्यादा, ओपन में जस्ट आगे। जैसे 5 बोले थे ओवरटोन, तो ये 11 होगा V/4L, ठीक है। आप माइक ऑफ कीजिए। चलिए सत्यम भाई हाथ उठाए हुए हैं तो माइक ऑन कीजिए, और नहीं हो रहा है तो अपना हाथ डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बताएंगे माधुरी कुमारी, तो आप बताइएगा दोनों इंड जब फिक्स हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन के टर्म में बताइएगा। दोनों इंड फिक्स हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, टेंशन के टर्म में बोलना है। चलिए आपको नहीं आता, माइक ऑफ कीजिए, आप क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चलिए आप बताइएगा, तो बताइए आप, खुशी कुमारी बोलिए, हाथ उठाए थे। V is equal to root under T by mu. क्या? V is equal to root under T by mu. Very good, सही है। V equal to केवल velocity नहीं बोलना था, हमको frequency का formula बताना था। तो frequency बराबर होता है 1/12 under root T by mu, ठीक है। अच्छा, उसमें एक density के टर्म में formula निकाले थे, वो formula याद है? मतलब म्यू के टर्म में नहीं, डेंसिटी के टर्म में निकाले थे, उसमें एरिया एक टर्म आया था, वो सब साइड वाला फॉर्मूला भी ध्यान से याद रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बिट्स फ्रीक्वेंसी पढ़े थे, और आप लोग को जितना क्वेश्चन दिए थे सारा बन गया है कि कोई पूछना है, बोलिए जल्दी से, नहीं तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉपलर इफेक्ट बताएंगे। पूछना है, चलिए बोलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, बोल दीजिए जल्दी से, बता ही देते हैं। फास्ट में बोल दीजिए कौन सा क्वेश्चन बोलना है बिट्स वाले में। नंबर भेज रहे हैं 12 13 सर, 12 13, ठीक है, 12 13 बतला रहे हैं। ट्वेल्व थर्टीन
देखिए 12 और 13 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए। कहता है ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 5-12 साइकिल पर सेकेंड प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ सेकेंड फॉर्क। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक आपका ट्यूनिंग फॉर्क दिया है 12 नंबर में, आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन, समझिए ना, हम बार बार तो बोलते जा रहे हैं। कहता है एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 साइकिल पर सेकेंड यानी 512 हर्ज है, 4 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे के साथ, तो जिसका दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए, और 4 बिट्स दूसरे के साथ पैदा कर रहा है तो सेकेंड का फ्रीक्वेंसी 2 हो सकता है, एक 516 हो सकता है, एक 508 हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गया सभी लोग को? कहता एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपका कितना है 512 हर्ज है, और उसके साथ दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है जो 4 बिट्स पैदा कर रहा है, तो 4 बिट्स का मतलब दूसरे का फ्रीक्वेंसी क्या हो, 4 ज्यादा हो सकता है या 4 कम हो सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे ऑन फाइलिंग द प्रून ऑफ द सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क, सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क को फाइलिंग किया जा रहा है, फाइलिंग का मतलब क्या होता है बोलिए जल्दी से, फाइलिंग मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना कि घटना, आप बढ़ना, बढ़ना का आप एरो दीजिए, बढ़ना का एरो दे दीजिए, पहले ये दीजिए एरो दीजिए, उसका अपने मन से बढ़ाइए 517 518 519 ऐसे लिखिए, फिर यहाँ 509 510 511 ऐसे लिखिए। कहता है उसके बाद बिट्स प्रोड्यूस 6 हो गया, तो इसमें देखिए 4 बिट्स पहले था, अब 3 बिट्स हो गया, अब 2 बिट्स हो गया, इसमें पहले 4 बिट्स था, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, बताइए 6 बिट्स किस में हो गया है, ऊपर वाले में हो गया कि नीचे वाले में हो गया, ये आप खुद सोचिए। तो इसीलिए आंसर आपका 516 हो गया, क्योंकि आपको 6 बिट्स, तो इसलिए आंसर 516 हर्ज हो गया। आगे बात समझ में, कभी भी कोई कष्ट है। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं, 13 नंबर क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कहता है इन एवब क्वेश्चन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड फॉर्क इफ नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस पर सेकंड बिकम 3। नंबर ऑफ बिट्स क्या है 3 हो गया है, नंबर ऑफ बिट्स 3 हो गया है। आप पहले क्वेश्चन इन एवब क्वेश्चन में कहता है फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, मतलब यही क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन है तो आप तब तो आंसर इसका ऐसा ही आ जाएगा, 3 हो गया है बिट्स, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए इसका, कितना 13 का 508 हो जाएगा। आने की 508 क्यों हुआ वो समझ लीजिए बात को, ध्यान से देख लीजिए 508 क्यों हो गया, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। बी में कहता है इसी में इफ नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस पर सेकंड रिमेन सेम, बिट्स रिमेन सेम किस केस में होगा, था नीचे वाला केस में अब की बार होगा, क्योंकि इसको इतना बढ़ाइए कि 4 के बराबर 516 हो जाए, तो 4 के बराबर नहीं हो जाएगा। देख लीजिए इसको फाइलिंग कीजिए, पतला कीजिएगा तब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, 509 510 511 516 तक जा सकता है ये, तो जैसे ही 516 जाएगा तब फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम हो गया, क्योंकि 508 के बदले 508 में 4 बिट्स था, और इसका बढ़ा करके 516 किए तो भी 4 बिट्स है, इसलिए आपका आंसर 508 ही होगा इसका सेकंड केस का भी। इफ नॉट अ सिंगल बिट्स हियर, कोई भी बिट्स नहीं हियर हो, तब कोई भी बिट्स नहीं हियर हो इसका मतलब 516 को 508 को बढ़ा के 512 के पास लेके चले जाइए, आने 512 कीजिए, अब देखिए बिट्स कितना हो गया 0 हो गया। ऊपर वाले में कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर कोई कंफ्यूजन है तब बोलिए, हम आपका प्रॉब्लम दूर कर देंगे जल्दी से। किन्हीं को भी डाउट है तो क्वेश्चन उठाइए, हम उसका सोल्यूशन समाधान करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि तीनों का आंसर आपका उतना ही आया है। आगे बढ़े, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चले आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात समझ लीजिए।
चलिए तो अब आगे हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पर चलते हैं, है ना। और हम लोग को टॉपिक कौन सा पढ़ना है, डॉपलर इफेक्ट। कौन सा पढ़ना है, डॉपलर इफेक्ट। चलिए डॉपलर इफेक्ट, इफेक्ट देखिए इसके बारे में लाइट में थोड़ा डिस्कशन कर चुके थे डिफिनेशन के बारे में। डॉपलर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले रिलेटिव मोशन के कारण, रिलेटिव मोशन मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसके कारण जो ऑब्जर्वर होता है उसको रियल फ्रीक्वेंसी या रियल आवाज सुनाई नहीं देता है जो कि सोर्स के द्वारा पैदा किया गया है। इसी फेनोमेना को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने किस फेनोमेना को खोजा था कि जैसे हम यहां पर खड़े हैं, आप उधर से चिल्लाते हुए आ रहे हैं, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वह फ्रीक्वेंसी बदल के हमको सुनाई देगा क्योंकि आप रिलेटिव मोशन में है। इसलिए तो रिलेटिव मोशन के कारण, रिलेटिव मोशन में दोनों हो सकता है, या तो ऑब्जर्वर रेस्ट में रहे, सोर्स दौड़े आगे पीछे कुछ भी, या सोर्स रेस्ट में रहे ऑब्जर्वर दौड़े आगे पीछे, या दोनों आगे पीछे दौड़ सकता है। किसी तरह का कंडीशन हो, रिलेटिव मोशन होना चाहिए और तब ऑब्जर्वर के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी सुना जाएगा, देखा नहीं जाएगा, साउंड लाइट में देखा जाता था, यहाँ सुना जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी सुना जाएगा वह फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से अलग होता है। इसी फेनोमेना को, इसी घटना को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। आया समझ में? तो डॉपलर इफेक्ट जब कहते हैं तो जरा ध्यान से सोचिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन, क्या रिलेटिव मोशन, देन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर डिफरेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी रिलीज बाय सोर्स। दिस फेनोमेना फेनोमेना इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। एकदम कंडीशन डिफिनेशन बिल्कुल सही होगा। देखिए इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं पढ़ना, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है जिसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब ऑब्जर्वर के द्वारा जो ऑब्जर्व किया जाएगा उसको एपरेंट, एपरेंट मतलब होता है आभासी, महसूस जो होगा वह फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी से अलग होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो एफ होगा ना, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट हम कर रहे हैं, वह रियल फ्रीक्वेंसी से अलग होगा। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को मैं एफ नोट से डिनोट कर दूं और भी बाय भी प्लस माइनस ऑब्जर्वर पहले आएगा और सोर्स नीचे चला जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, यही एक फॉर्मूला है। देख लीजिए ध्यान से, एपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय
ऑब्जर्वर का जो फॉर्मूला होगा वह फॉर्मूला आपका एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट और वी प्लस माइनस वी एस इस तरह से होगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो है ना। तो यहाँ पर जो है आपका वी प्लस माइनस वी नॉट और वी प्लस माइनस क्या है आपका वी एस है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है आप उस बात को समझ सकते हैं कि क्या है, और एफ नॉट जो है रियल फ्रीक्वेंसी है। रियल फ्रीक्वेंसी जो है ना, रियल फ्रीक्वेंसी है। कौन सा फ्रीक्वेंसी है आपका? रियल फ्रीक्वेंसी है। और देखिए भी से जो डिनोट किया गया है वो स्पीड ऑफ साउंड वेव है इन एयर, ठीक है। और वी नॉट जो है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, और वी एस जो है वह स्पीड ऑफ सोर्स जो साउंड इमिट कर रहा है। देख लीजिए गौर से समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से आखिर क्या है जो चलें आगे बढ़ें। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लिए, क्योंकि अभी तुरंत इसी फॉर्मूला पर अब क्वेश्चन बनेगा। बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से है ना। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा उस बात को समझिए, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा उसको समझिए। बड़ा आसान से और जल्दी से बनेगा क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। उस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है, क्या है कि क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन हो सकता है। केवल उस फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है रियल फ्रीक्वेंसी इनटू वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर बाय डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस सोर्स स्पीड जो है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन है यानी केस है। तो देखिए उस सारे केस को मैं स्टडी करना चाहता हूं एक बार में, देख लीजिए ध्यान से सारा केस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी केस फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, पिक्टोरियल डायग्राम बनाएंगे, लैंग्वेज में नहीं पिक्चर से समझ में आएगा बात, उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर को हम हमेशा आदमी मानेंगे, आदमी जो है उसका पिक्चर मैं ऐसा बनाऊंगा है ना। अच्छा चलिए हाथ भी दिखा दिए, और फोर व्हीलर जो बनाएंगे है ना, फोर व्हीलर वह आपका सोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोर्स, साउंड सोर्स कहलाएगा, मतलब हॉर्न मारते हुए गाड़ी जो है जा रहा। देखिए अभी जो सोर्स है ना, ये ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है, देख लीजिए, और सोर्स जो है इसके तरफ मूव कर रहा है। देख लीजिए ध्यान से डायरेक्शन सब समझ लीजिए, बात पिक्चर से समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स जो है हॉर्न मारते हुए आपके पास आ रहा है। यानी आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन भिसिल मारते हुए आपके पास आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में बहुत बार पूछा है, इसीलिए हम वैसा बना रहे हैं। ऑब्जर्वर खड़ा है और ट्रेन गाड़ी फोर व्हीलर एक बजता हुआ सब आपके पास आ रहा है, तब क्या लिखिएगा? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, इतना तो हर बार आएगा, इसके बाद ही कुछ करना है। ये हर बार आएगा क्योंकि रियल फ्रीक्वेंसी का दिया रहेगा क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ साउंड वेव जरूर दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछेगा। तो इस कंडीशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो प्लस माइनस भी ऑब्जर्वर जीरो लिख करके कोई फायदा होगा? आप खुद सोचिए,
अगर कोई फायदा हुआ तो हमको बतला दीजिए, तो उसको तो लिखेंगे नहीं। आज सोर्स मोशन में है तो उसका स्पीड लिखाएगा। बस सोचिए कैसे लिखाया, हम एक समझा रहे हैं, अगला से आपकी बार से आप लोग से पूछे, अगला केस में पूछेंगे आप, इसे ध्यान से समझिएगा। जो जीरो दिया हुआ उसको लिखेंगे नहीं, आज जिस चल रहा है उसको लिखेंगे। अब आप लोग वो समझिए बात को, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप खड़े हैं, गाड़ी हॉर्न मारते हुए आपके पास आ रहा है, तो आवाज का फ्रिक्वेंसी या इंटेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बोलिए जल्दी से। इंक्रीज करेगा। बढ़ेगा सर। इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर प्लस लिखें कि माइनस लिखें? प्लस। 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 माइनस। माइनस। मैथ वाला दिमाग लाइए, तीसरा क्लास वाला, इसको बढ़ाए हैं, इसको नहीं बढ़ाए हैं, तो इसको बढ़ाए हैं तो क्या लिखिएगा? ध्यान से लगाइए बात को, जब इसको बढ़ाना हो तो इसको घटाइएगा तब बढ़ेगा। देखिए दिमाग यहाँ भिड़ाना है और यहाँ भी भिड़ाना है, बात समझ में आ गया? बोलिए, ऐसा ही केवल मत बोलिएगा। देखिए जी हम क्या कहे हैं, जो आपका आवाज बढ़ रहा है ये बात क्वेश्चन से पता चलेगा, और हर बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद अलग फॉर्मूला आपको लिखना है, उस रियल फॉर्मूला को याद करके। एक ही फॉर्मूला याद रखना, इसको नहीं रखना है, इसको समझना है। केस सेकंड है, आप ऑब्जर्वर अभी तक खड़े हैं, अब की बार ऐसा हुआ कि आपका जो फोर व्हीलर है वो आपसे दूर भाग रहा है, इधर जा रहा है सोर्स, हॉर्न मारते हुए ट्रेन आपसे दूर जा रहा, प्लेटफार्म पर खड़े हैं, तो बताइए आपके साथ क्या होने वाला है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। घटेगा तो यहाँ प्लस डालिए, घटेगा तो यहाँ प्लस डालिए, तब घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तभी होल फ्रीक्वेंसी घटेगा। आगे बात समझ में? तो अब मेरी बारी समाप्त, अब जिनका नाम लेंगे सिर्फ वही बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले किनका, आयुष कुमार जो है अपना माइक ऑन कर लीजिएगा जल्दी से। अब की बार आपका जो फोर व्हीलर है ना, वो फोर व्हीलर है जो आराम फरमा रहा है, ठीक है? यानी सोर्स जो है रेस्ट में है, सोर्स क्या है? रेस्ट में है, यहाँ ऑब्जर्वर रेस्ट में था, और आप जो है ना, ब्रेक बज रहा था, डीजे गांव में बराती आया था, वो रेस्ट में था, आप बराती देखने के लिए दौड़ लगाते उधर, किधर? डीजे को देखने के लिए, नाच हो रहा था, समझ रहे ना, उधर दौड़ लगा दिए आप, कौन? ऑब्जर्वर। तो आयुष कुमार आप बताइएगा, आप माइक अभी तक ऑन नहीं किए हैं। एफ इक्वल टू एफ नॉट वी बाई वी है। अब फार्मूला मैं क्या लिखूं, जो अब फार्मूला बोल दीजिए, केवल बस, हम कुछ नहीं जानना चाहते हैं, एक बार में बोल दीजिए मैं क्या लिखूं अब आगे। चलिए आपका टाइम समाप्त, अब आपका टाइम समाप्त हो गया। अमरजीत कुमार आप बोलिए जी, सब लोग सोचते रहिए। यस माइनस माइनस बी एस बी नॉट नीचे ऊपर सर, मतलब हमको नहीं समझाइए, एक बार में लिखिए, हम सुन रहे हैं आराम से, बोलिए। ऊपर लिखिए माइनस बी नॉट सर। माइनस बी नॉट। यस सर। हो गया? यस सर। चलिए ओके, आपका सही है, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। देखिए है ना, अब कौन बताएंगे? माधुरी कुमारी, क्या ये फॉर्मूला सही लिखवाए हैं या गलत लिखवाए हैं? सही है। सही है, घुस करके एक झापड़ लगेगा। प्लस होगा सर। प्लस, प्लस ना होगा। आप यस सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। आप माइक ऑफ कीजिए सब लोग। देखिए ध्यान सुनिए, हम क्या बोले, डीजे बज रहा था, बराती आया था, बराती देखने के लिए दौड़ लगाते हैं ना उसके तरफ, तो दौड़ लगाइएगा तब फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ के सुनाई देगा कि पहले घट के, पहले ये सोचिए, तो बढ़ के सुनाई देगा। और सोर्स रेस्ट में ऑब्जर्वर अब की बार दौड़ रहा है,
तो अगर ये बढ़ाना है तो नॉमिनेटर में क्या करते हैं, प्लस करेंगे तब ना होल फ्रैक्शन बढ़ेगा। मैथ वाला भी दिमाग लाना है, तीसरा चौथा वाला डिमनोट किसमें प्लस माइनस होगा डिमनोटर नॉमिनेटर में कि आपको बढ़े वैल्यू, आया समझ में? तो यहाँ पर आपका नॉमिनेटर में था यानी ऊपर में था, तो इसीलिए इसमें प्लस होगा तब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। बढ़ाना तो इसी का फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सोचना कैसे उसकी बात हम कर रहे थे। चलिए केस फोर में कोई नहीं बोलेंगे, सब लोग सोचेंगे हम किन्हीं से पूछ सकते हैं। मैं पहले फिगर से ही सबको समझा दे रहा हूँ। ये आदमी जो है ना अभी भी जो है ऐसे है, ये डीजे जो है अभी भी क्या हो गया, अभी डीजे जो है रेस्ट में है, वो बज रहा है, साउंड दे रहा है, ये रेस्ट में है, सोर्स जो है रेस्ट में है। लेकिन हो सकता है आप किसी दोस्त को बुलाने जा रहे होंगे, तो आप दौड़ लगाए दोस्त के घर, डीजे उधर बज रहा है कि अरे डीजे आ गया बज रहा है, अच्छा से चलो गाना सुनते हैं, तो ऑब्जर्वर बेचारा दूर भागने लगा। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये मैं अभी लिख देता हूं। दूर जा रहा है तब फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो घटेगा तो ऑब्जर्वर माइनस में जाएगा और ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला में आप लोग की बारी है, केस पांचवा में है, केस फिफ्थ में है, कैसे क्वेश्चन होगा, कैसे सोचना है इसकी बात सोचिए। अब आप जो है यहाँ पर है, फोर व्हीलर जो है आपका यहाँ पर है ना, ये हॉर्न मारते हुए आपके पास आ रहा था सोर्स, और आप भी उसके पास जा रहे थे ऑब्जर्वर। अब दोनों मोशन में है, आप डीजे बजते हुए उधर से आ रहा था गाड़ी पर, और आप भी उसके तरफ दौड़ लगाए, डीजे भी आ रहा था आप भी दौड़ लगाए। देखिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, भी बाई भी इतना लिख दिए बस। इसके बाद आपको ये हर बार आ गया, इतना इतना तो हर बार आता है, इसमें तो टेंशन ही नहीं लेना है। किन से, खुशी कुमारी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलिए बताइए आप इसका आंसर, एक बार में सही सोच के बताना है, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना। सर v plus v0 by v minus vs, यानी कि देखिए अगर आप कहते हैं कि दोनों लिखाएगा क्योंकि दोनों का मोशन है, तो दोनों लिख दिया, ऊपर प्लस या माइनस, ऐसे बोलिए ऊपर में प्लस लिखें कि माइनस लिखें, ऊपर में प्लस होगा और नीचे में माइनस। अच्छा ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए, अब किनसे पूछा जाए। चलिए ओम प्रकाश कुमार आप बताइए जी। क्या लिखें, हमें तो लगता है वो बताए हैं जो गलत है। यस सर, बोलिए क्या लिखें, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, आप भी तो वही बोल दिए तब, सही है एकदम। यस सर, सब लोग सोच लिए कि सही है ना, ऊपर प्लस लिख दें या नीचे माइनस, ऊपर प्लस लिख दें ऐसे या नीचे माइनस, फॉर्मूला सही हो जाएगा ना। यानी क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा कि दोनों दौड़ रहे हैं एक दूसरे के तरफ, कहेगा सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, ऐसा रहेगा लैंग्वेज क्वेश्चन में, सोर्स और ऑब्जर्वर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ मूव कर रहा है, तो उस समय फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होगा। देखिए जनरल फॉर्मूला प्लस माइनस में याद रखना है, लेकिन आपको हर बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद हर बार फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, वो आपको इसमें रट नहीं सकते हैं आप, रटना तो पहला फॉर्मूला था सिर्फ, बस इतना ही सोच लीजिए, इसमें याद नहीं करना है, आपको समझना है कि इस फॉर्मूला को फिर से कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो चलिए सही ही है, दोनों एक दूसरे के तरफ दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जर्वर के तरफ भी, ऑब्जर्वर के चलते फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इसके चलते फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, दोनों चूंकि एक दूसरे के पास जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ेगा, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तब ना ये होल फ्रैक्शन तेजी से बढ़ेगा। केस छठा में आ जाते हैं, फिर से वही बनाते हैं, अब की बार ऑब्जर्वर जो है ऐसे है, यहाँ पर ऐसे खड़ा है, है ना, और फोर व्हीलर जो है आपका ऐसे है, है ना, सोर्स जो है ना डीजे बजते हुए भाग रहा है, डीजे बजाते हुए भाग रहा है आपसे, आप उसका पीछा कर रहे हैं टनाटन, है ना, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर उसका पीछा कर रहा है, सोर्स भागता हुआ जा रहा है, ऑब्जर्वर पीछा कर रहा है, सोर्स भागता हुआ जा रहा है, आवाज बजा बजा के,
मान लीजिए चोर होगा तब वो गाड़ी से भाग रहा है तो उसको आवाज देके हॉर्न देके भागेगा ना, आप पीछे से हल्ला कर रहे हैं कि चोर है चोर है, तो आपको आवाज कैसा सुनाई देगा ये हमको जानना है। देखिए मैं अब दोनों मोशन में है तो ये दोनों लिखाएगा हर हाल में, बस दोनों मोशन में इसलिए दोनों लिखाएगा हर हाल में। अब आपको ये बताना है कहाँ प्लस कहाँ माइनस क्या होगा ये बताना है, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। पल्लवी कुमारी बहुत दिन हिसाब से नहीं पूछे, आप बताइए अगर समझ गए हैं तो पूछेंगे, 10 सेकंड के अंदर जवाब दे देना, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे फिर। सर ऊपर प्लस होगा नीचे ही प्लस होगा, ऊपर प्लस, ठीक है अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए ओम प्रकाश के बाद पल्लवी के बाद पीयूष सिंह, आप बताइए जी। माइनस प्लस, ऊपर क्या होगा माइनस नीचे प्लस। यस सर। चलिए सब लोग अपना अपना आंसर याद रखिएगा, हमको याद है सब लोगों का आंसर जो बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्रणव श्री जल्दी से बोलिए। सर दोनों प्लस होगा, दोनों प्लस होगा, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। चलिए इसी बात पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा। ऑब्जर्वर साउंड के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि दूर भागने की कोशिश कर रहा है, ये पहले सोच लीजिए। अगर पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्जर्वर के स्पीड के कारण आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, आवाज बढ़ना चाहिए। सोच लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो ऑब्जर्वर के चलते फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए तो प्लस, क्योंकि ऊपर में है तो प्लस, ये बढ़ना चाहिए तो प्लस। आइए दूर भाग रहा है इसके चलते फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वर से दूर भागने की कोशिश कर रहा है तो उसके चलते फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए। जब उसके चलते फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए तो नीचे में माइनस दिया तो बढ़ा देगा, नीचे में माइनस दिया तो इसको बढ़ा देगा, लेकिन ये तो घटना चाहिए इसलिए प्लस होगा दोनों जगह। जो लोग अपना आंसर उल्टा पुल्टा बोले तो समझ लीजिए दोनों जगह प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए गौर से समझिएगा, केस 7 में आते हैं। देखिए अब जो है यहां पर आपका दिमाग कितना काम कर रहा है उस चीज को चेक करना पड़ेगा ना हमको। तो यहां पर देखिए एक आपका फोर व्हीलर जो है आपका इस तरह से है ना। देखिए फोर व्हीलर जो है आपका सोर्स जो है साउंड देते उधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर जो है ये भी दूर जा रहा है, दोनों दूर भाग रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा रियल में वो तो ये हर हाल में होगा ही कि ऑब्जर्वर ऊपर होगा सोर्स नीचे होगा। चलिए प्रियांशी कुमारी आप बताइए कि कहां प्लस लिखें कहां माइनस लिखें। सर ऊपर भी माइनस और नीचे में भी माइनस, दोनों जगह माइनस होगा। यस सर। पता नहीं ऊपर माइनस नीचे प्लस। चलिए वो तो आपका पोज कर दीजिए। चलिए अब अभी आ रहेगा दोस्तों पूछ लेते हैं, टेंशन मत लीजिए है ना, बहुत लोग मेरे भीड़ में खड़े हैं। चलिए सृष्टि सुमन आप बताइए जी। सर ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस। चलिए आपका बात हम चेक करते हैं, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा इसकी बात नहीं। ऑब्जर्वर दूर सोर्स से ऑब्जर्वर, देखिए तो हम क्या कर रहे थे कि यहां पर जो है दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर जब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, तब फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए तो यहां माइनस साइन होगा। लेकिन सोर्स दूर जा रहा है तो भी फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, लेकिन नीचे में जब फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए तो प्लस होगा। देख ली ध्यान से, केस 8 में चलते हैं, 8वां नंबर केस, ऑल पॉसिबल केस का हम लोग स्टडी करेंगे। ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है,
जो आपका दोनों पास दोनों दूर ऐसे है गाड़ी और ये इधर जा रहा है, सोर्स है ये, और ऑब्जर्वर जो है इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, यानी कि डीजे वाला गाना बजाते हुए आपके पास भाग रहा था और आप दूर भाग रहे थे, यानी देख लीजिए कैसा सिचुएशन है जो। तब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, जिनसे पूछेंगे सिर्फ वही जवाब देंगे, और लोग को बोलने की जरूरत नहीं, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों लिखाए गए हर हाल में, है ना। तो जिनसे नहीं पूछे हैं वो बताएंगे। चलिए सुधांशु कुमार आप बताइए। नहीं बताइएगा, चलिए कौन बताएंगे तब, शुभम राज आप बताइए। सर दोनों माइनस हो, ऊपर नीचे दोनों माइनस हो। यस चलिए ठीक है, आपका ही बात समझ लेते हैं हम। और उसके बाद है राजवीर शेखावत, बोलिए जल्दी से। राजवीर शेखावत जल्दी से बोलिए। बोलिए बोलिए। दोनों माइनस होगा ऊपर नीचे, दोनों माइनस होगा ठीक है। चलिए तो आप लोग बहुत कुछ हमको समझा दिए हैं, हम भी समझ गए हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो है ये दूर जा रहा है, सोर्स ऑब्जर्व सोर्स ऑब्जर्वर दूर भाग रहा था, इसके चलते घटेगा, देख लीजिए ध्यान से, जबकि इसके पास आ रहा है इसके चलते बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए तो यहाँ माइनस होगा तभी बढ़ेगा। आगे बात समझ में, यानी कि ये ऑल पॉसिबल केस था, इस बात को आप समझ चुके होंगे। देख लीजिए ध्यान से, अगर अभी भी किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है तो हमको बतला सकते हैं, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तैयार हैं। बोलिए अगर कोई प्रॉब्लम है कोई परेशानी है तो बोलिए, हम तो पहले ही कह दिए हम बताने के लिए तैयार हैं, बस सोच लीजिए कुछ भी पूछना हो इन सभी, क्योंकि फिर मिटा देने के बाद गड़बड़ होगा। कौन सा केस आपको समझ में नहीं आया है उस केस को बताइए, हम एकदम आपको बतलाने के लिए तैयार हैं हर हाल में। चले आगे, चलिए तो आप लोग अगर बनाने के लिए तैयार हैं तो देखिए आप लोग के पास गया होगा डॉप्लर इफेक्ट का पीडीएफ, अभी का अभी तुरंत सब लोग के पास पहुंच गया होगा, है ना। आप लोग जो हैं इसमें तो बनाइए टू नंबर और थ्री नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, टू और थ्री नंबर क्वेश्चन बनाइए पहले, दो नंबर और तीन नंबर जल्दी से बनाइए। जल्दी से बनाइए, है ना, दो और तीन हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे अच्छी तरह से, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिच ऑफ व्हिसल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू रेज टू 1.5 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है 1.5 टाइम्स ऑफ एफ नॉट हो गया है। व्हेन इट अप्रोच अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो है रेस्ट में है, यानी ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है और फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, इसका मतलब कार इंजन फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी हॉर्न मारते हुए आ रहा होगा वह हर हाल में आपके तरफ आ रहा होगा इधर, तब ना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ये तो रेस्ट में है ये बेचारा। अब आप दिमाग में ये सोचिए कि आप क्या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़े हैं,
ये सोचिए, तो ऑब्जर्वर, सॉरी ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, सोर्स सिर्फ मोशन में है, और वो भी आपके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, यहाँ माइनस साइन होगा। यानी फॉर्मूला हर बार क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको खुद बनाना है। तो कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इंजन इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 330, यानी वीएस निकालना है। तो ये 1.5 एफ नॉट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, देख लीजिए ये वाला, और भी जो है आपका 330 लिया गया है, 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस वीएस हो गया। देखिए ये कट गया, इसको तिरछा यहाँ गुना कीजिएगा, तो 1.5 330 माइनस वीएस इक्वल टू 330 हो जाएगा, देख लीजिए, और इसको उधर ले जाकर डिवाइड कर दिए सीधा, तो 330 माइनस वीएस बराबर क्या हो जाएगा, 330 बाई 1.5। तो देखिए 15 × 30 दो बार का लगा, फिर 30 आ गया, फिर दो बार का लगेगा, यानी 220 हो जाएगा। अब वीएस बराबर क्या लिखेगा, 330 माइनस 220 यानी 110, देख लीजिए ध्यान से क्या आ गया आपका, 110 आ गया। इस बात को समझ सकते हैं, यानी कि सोर्स जो है इतना स्पीड से मूव कर रहा था। चलिए दो नंबर भी उसी तरह से है, उसको जल्दी से बनाइए, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर मेनली। देखिए तीन नंबर आसान है, चार पांच आप बना के दिखाइए हमको, चार पांच मेनली है ना, चार पांच हम बताएंगे अब की बार में, 4 और 5 बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। देखिए 5 में वो दो स्टेप में बनाया है, बुक में जो बनाया हुआ है, हमको दो स्टेप नहीं चाहिए। हम जो पहले पीडीएफ भेजे थे एक वेब्स करके है ना, जिसमें पूरा क्वेश्चन बैंक था, उसका पूरा क्वेश्चन बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को क्वेश्चन अभी भेजे थे कि 4 और 5 हर हाल में बना लेना है, कौन बना लेना है, 4 और 5 हर हाल में बना लेना है। तो 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, ए मैन ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशन विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, He hears a sound of whistle which is blown at a station with frequency 600 hertz. Calculate apparent frequency heard by him if velocity of sound is 340. देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, बस लैंग्वेज आपको समझना चाहिए। ऑब्जर्वर रेस्ट, आप देखिए एक बात समझ लीजिए, सोर्स जो है ना इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म पर जो है आपका सोर्स खड़ा, मतलब साउंड सोर्स जो है, सोर्स जो है ना यहाँ पर है, कोई सोर्स है जो साउंड निकाल रहा है चारों तरफ, ये डेक बज रहा होगा, और सोर्स जो है रेस्ट में है, और एक ट्रेन है यहाँ से, ट्रेन क्रॉस कर रही है, ट्रेन है ना, ट्रेन क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन तेजी से भाग रहा था, आईसी के अंदर एक आदमी था खड़ा, ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर था, यानी ट्रेन को ही ऑब्जर्वर मान लीजिए, और ऑब्जर्वर जो भाग रहा है इधर से तेजी से दूर जो भाग रहा है आपसे, वो कितना से भाग रहा है, तो भाग रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। आई बात समझ में, कितना से, 72 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। पर ना माइक अपना ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, आप बताइए इसको मीटर पर सेकंड में कितना लिखे, फास्ट बोलिएगा 5 सेकंड के अंदर। चलिए प्रियांशी आप बताइए। सर आवाज कट गया आपका, फिर से एक बार बोल दीजिए। हम कहे कि इसका मीटर पर सेकंड में आंसर क्या होगा, वो पिक्चर दिख रहा होगा, प्रियांशी बोलिए जल्दी कितना आंसर आएगा, ऐसे कीजिएगा आप लोग, 30 20। 18 = 5 होता है, इसलिए 18 × 72 = 4 हुआ, और 5 × 20 हुआ, हमारे जैसा हिंदी में पहाड़ा याद कर लिए 30 तक, तो फटाफट काम हो जाएगा है ना। देखिए अब आपको ये दिया हुआ है, मेन क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है सोर्स जो है स्टेशन पर है, यानी स्टेशन पर डोल दबला म्यूजिक बज रहा होगा, और ट्रेन है वो क्रॉस कर गया, उसके अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ होगा, आदमी बैठा हुआ होगा, वही लिखा है
अ मैन इज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, आप ऐसा मत सोचिए कि आदमी जो ट्रेन के अंदर चल रहा है, आप बताइए आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उसको क्या अंग्रेजी में लिखिएगा, आप खुद सोच लीजिए। अगर कोई ऐसा सोच लिए कि आदमी है जो ट्रेन के अंदर चल रहा है तो वैसा में नहीं है, ट्रेन जो है आदमी जो है ट्रेन से यात्रा कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, आए बस समझ में, इसका मतलब ही हुआ कि वो यात्रा कर रहा, आए बस समझ में। तो जब यात्रा कर रहा है तो ट्रेन में बैठा हुआ होगा, अब ट्रेन के साथ साथ तो जेबे करेगा ना, ये मत सोच लिए कि ट्रेन में आदमी मूव कराओ आदमी का स्पीड देबे नहीं किया है, ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, ट्रेन मूव कर रहा है, यहाँ पर आपको आ गया 20 मीटर पर सेकंड से, और ट्रेन जो है स्टेशन को छोड़ के दूर भाग रहा है, और स्टेशन पर बज रहा होगा कोई आवाज साउंड, और वो सुनने की कोशिश किया होगा, तो बताइए रियल फ्रिक्वेंसी सुनाई देगा, यानी कि अब जो है आप समझ लीजिए सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मोशन में है, तो एफ इक्वल टू एफ नॉट भी आर भी, सोर्स जो है आपका रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मोशन में है, तो ऑब्जर्वर मोशन में दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका हर हाल में घटेगा, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। नहीं, अब क्वेश्चन में क्या गया, ही हियर साउंड ऑफ विसिल इज ब्लोन एट द स्टेशन विथ फ्रीक्वेंसी इतना, कैलकुलेट द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हियर बाय हिम, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना, तो आने की एफ निकालना है, ये 600 दिया हुआ है और ये आपका दिया 340 दिया हुआ है, माइनस 20 और 340 दिया हुआ है, आपका 600 हो गया इनटू, देखिए अब 320 हो गया और 340 हो गया, देखिए यह रेशियो एक से कम है इसलिए आंसर 600 से कम आएगा, यानी 600 से कम आंसर, यानी कि ये आंसर जो है आपका सही सही आ जाएगा, 564 या 565 जो भी है ना, 565 के आसपास आंसर आ जाएगा इतना। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी देखिए आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2 स्टेप में बनाया है, और मेरा ट्रिक से सारा क्वेश्चन 1 स्टेप में बनेगा इसकी फुल गारंटी है, देखिए कैसे, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 380 हर्ट्ज मूविंग टुवार्ड्स वॉल, अच्छा ये रिफ्लेक्शन वाला दिया था, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताए थे, ठीक है चलिए उसका कंसेप्ट पहले बता देते हैं तब, ठीक है उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे, है ना, दीवार की तरफ कोई ऑब्जर्वर बढ़ रहा हो आवाज करते हुए तब क्या इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को भी समझ ही लेते हैं। चलिए तो इतना क्वेश्चन बना लिए तो बात समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है ना, अब क्वेश्चन बहुत सारा आपके पास भेजा हुआ है, सारा क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है तो बात समझ लीजिए यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, बात समझ लीजिएगा कि अगर आगे दीवाल हो, वाल हो, वाल हो, हिल हो, अब स्टेकल वाला हिल मतलब पहाड़ी, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे हमको, और इसका 2 केस होगा, देखिए ध्यान से इसमें क्या घटनाएं घटित होगा वो समझ लीजिए, घटनाएं एक घटित होगा कि आपका ये 4-व्हीलर है, ऐसे इस 4-व्हीलर के अंदर आप बैठे हुए होंगे, इस पर क्या करके गाड़ी चला रहे होंगे आप, इस पर बैठ करके, है ना, आप 4-व्हीलर के अंदर बैठ करके गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपका इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ कार हो गया, वीसी वेलोसिटी ऑफ कार है, वेलोसिटी ऑफ कार है, है ना, बात समझ लीजिए, आप कार से जा रहे थे, रात के अंधेरा था, एकदम डीप अंधेरा था, आपका हेडलाइट का बत्ती गुल हो गया, मतलब खराब हो गया हेडलाइट का बत्ती, अब आपको आगे बढ़ना है रोड पर, तो थोड़ा कम ही दूर तक में दिखाई देगा, अब ऐसा थोड़ी कि बहुत दूर तक अब दिखाई देता रहेगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, स्पीड में जा रहे हैं, थोड़ा स्पीड में जा रहे होंगे, लेकिन हॉर्न मारते हुए इसलिए जा रहे थे कि कहीं कोई आगे चप नहीं जाए, कोई कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, आप हॉर्न मार रहे थे उसके बाद तुरंत आवाज सुनाई, आप हॉर्न मारे और थोड़ा देर के बाद आवाज आगे से टकरा करके फिर आपके पास आ गया, समझे क्या घटना घटित हुआ, अब आप हॉर्न मारे
आगे बहुत बड़ा दीवार होगा, पहाड़ होगा, ऑब्स्टेकल होगा, कुछ भी होगा, वहां से आवाज जाके टकराया और फिर आपके पास आ गया। तो आप लोग बताइए जो रिटर्न होके आवाज आएगा क्या वही फ्रीक्वेंसी के साथ आवाज आएगा कि फ्रीक्वेंसी बदला हुआ रहेगा, ये बताइए। फ्रीक्वेंसी बदला हुआ चेंज हो जाएगा। जब चेंज होके जब आएगा तो आपको तो मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि उधर से भी कोई गाड़ी आ रहा है, आपको थोड़े पहाड़ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि उधर से भी कोई गाड़ी आ रहा है। आप डर के मारे गाड़ी को रोड के साइड में धीरे धीरे और ले जाइएगा या रोक के खड़े रहिएगा, इंतजार कीजिए, कोई अवे नहीं करेगा। यह लीजिए, अब हो गया ना भूत वाला घटना। पहले के जमाने में सब बहुत घटना घटित होता था, लोग डर जाता था। तो याद कीजिए, अब आपको अलग आवाज आएगा, आप ही का आवाज, मतलब आप जो फ्रीक्वेंसी यहां से प्रोड्यूस किए एफ नॉट, वही फ्रीक्वेंसी टकरा के आया तो आपको अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है। अब वह अलग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए लाइट को याद कीजिए कि दीवार हो, हिल हो, पहाड़ हो, जो भी हो, पहले इस गाड़ी का प्रतिबिंब बनाइए यानी इमेज बनाइए। तो गाड़ी अगर इधर जा रहा था तो इधर से जो इमेज होगा वह इमेज ऐसा होगा, आप समझ सकते हैं बात को, ऐसा होगा वह इमेज आपका, ऐसा होगा वेलोसिटी ऑफ कार इधर दिखाई देगा। इमेज बनाइए पहले और फिर, यानी कि अब आप समझ लीजिए कि वेलोसिटी, मतलब कि आप अगर दीवार की तरफ जा रहे हैं तो आपका इमेज उल्टा आएगा कि नहीं, और दोनों का स्पीड सेम हुआ कि अलग अलग होगा। वेलोसिटी ऑफ कार तो वर्चुअल इमेज है तो सेम होगा, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं उसको सोर्स समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं इसको सोर्स समझ रहे हैं, सोर्स, और अपने आप को आप समझ रहे हैं ऑब्जर्वर, मतलब हॉर्न अपने माने, आवाज जाके टकराया फिर आपके पास आया तो आप क्या समझ रहे हैं उधरों से कोई गाड़ी आ रहा होगा, उधर से कोई गाड़ी आ रहा है, तो आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं ऑब्जर्वर, और उसको सोच रहे हैं सोर्स, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हर बार दोनों तरफ वेलोसिटी ऑफ कार होगा। तो इसका केस का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद है, रटा रटाया है, याद कीजिए वी बाई वी ऑब्जर्वर और सोर्स है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है तो प्लस माइनस होगा। बात समझ में आ गया, देख लीजिए ध्यान से, लेकिन इसी फॉर्मूला का आप ऐसा लिख सकते हैं फिर एफ नॉट भी 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 सी भी सी, वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बाइक, वेलोसिटी ऑफ बाइक, जो इंजन देगा उसका वेलोसिटी, ऊपर प्लस नीचे माइनस। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, देखिए कैसे समझना रहता है कंसेप्ट को। अब की बार आप दीवार से दूर भागिएगा, यही एक आप केस हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है आप खुद सोचिए। अब की बार आप दीवार से दूर भागिएगा, यानी आप अपने फोर व्हीलर से क्या हो रहा है दूर भाग रहे हैं, यानी अपने कार को इधर जा रहे हैं। अब आपको पता नहीं था कि इधर दीवार है, पता थोड़ी है, ये दीवार है, ये वाल है, आप इसे दूर हॉर्न मारे तो हॉर्न को इधर जो साउंड जाएगा, हॉर्न मारिएगा तो आवाज क्या आगे केवल जाता है, चारों तरफ फैलता है, तो इधर जो आवाज आएगा वो तो रिफ्लेक्ट होके आएगा ना, वो तो चलता चला जाएगा, लेकिन इधर जो साउंड गया वो रिफ्लेक्ट होके आपके पास फिर से आएगा। और वही रात का अंधेरा था, आपको गाड़ी में लाइट नहीं थी, तो आपको क्या लगेगा कि लगता पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है ना, पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। लेकिन इसका प्रतिबिंब बनाइए, इमेज बनाइए, इमेज जब बनाइएगा तो आपका क्या होगा आप खुद सोचिए, ऐसा पिक्चर बनेगा कि नहीं आपके साथ, और ये वेलोसिटी ऑफ कार इधर हो जाएगा, देख लीजिए। अब ये आप सोर्स का काम करेगा, ये आप ऑब्जर्वर का काम करिएगा, और ये फिर से सोर्स का काम करेगा, जो हॉर्न मारेगा वो ऑब्जर्वर बन जाएगा जबकि उसी का आवाज उसको रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। लेकिन इस केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एफ नॉट होगा भी, और भी दोनों दूर जा रहा है, दोनों चलते फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो ऑब्जर्वर के चलते घटेगा और सोर्स के चलते भी घटेगा, लेकिन यहाँ पर यही फॉर्मूला हो जाएगा एफ नॉट और भी बाई भी और माइनस वेलोसिटी ऑफ कार और प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। कार हम इसलिए लिख रहे हैं कोई एक गाड़ी का नाम दे देते हैं जिससे आपको बाद में समझने में कष्ट बिल्कुल नहीं हो, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो ये दोनों भी कंसेप्ट समझ में आ गया, और भी कुछ कुछ केस आ सकता है,
तो अब अपने से दिमाग लगाइएगा, क्योंकि सारा सब कुछ जब हम ही बता देंगे तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा। तो इसमें अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, इस कंसेप्ट में अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए। 10 केस इसका बता दिए, 8 केस पहले और 2 केस दीवार वाला। देख लिए ध्यान से, होमवर्क में क्या है वो बात समझ लिए अच्छी तरह से, मैं आपको बता देता हूं। आज जो भेजे हैं डॉपलर इफेक्ट वाला वो पूरा है, दूसरा जो कम्पिटिटिव सेक्शन वाला जो भेजे थे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक वाला जो क्वेश्चन था उसको अब पूरा बनाना है, हर एक क्वेश्चन को बना लेना है, क्योंकि बीच में आपको गैप मिल रहा है। जैसे कि आज शुक्रवार है तो आप सोमवार को क्लास चलेगा, तो आपको गैप मिल रहा है ना, तो सारा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मिक्स होगा, उसमें डॉपलर इफेक्ट का सिर्फ क्वेश्चन नहीं होगा, डॉपलर को बीट्स के साथ जोड़ेगा, बीट्स को आपका हार्मोनिक के साथ जोड़ेगा उधर ऑर्गन पाइप में, ऑर्गन पाइप बीट्स और डॉपलर मिला के क्वेश्चन देगा। अब बनाने में मजा आएगा आपको क्वेश्चन, इसलिए उस टॉपिक का जितना भी 60-65 क्वेश्चन है पूरा बना लेना है हर हाल में, और अगर बना लिए तो साउंड का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में आपसे बनेगा। फार्मूला पहले याद करके बैठिएगा बनाने के लिए, डायरेक्ट नहीं, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कर रहे हैं। पहले फार्मूला पूरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद बैठिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, तब मजा आएगा। आया समझ में? और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। आज तो थोड़ा सा बारिश के कारण हम लेट जागे थे, इसीलिए गड़बड़ा गया सब मामला, थोड़ा लेट हो गया था, 7:30 बजे तक क्लास स्टार्ट करते हुए। अगले क्लास में ऐसा नहीं होगा, फिर 7 बजे चालू होगा, यानी कल भी वही होगा, ठीक है। तो अब क्लास एंड करते हैं, क्योंकि तुरंत अभी फिर से क्लास है ना, बाकी फिर अगले दिन मिलते हैं।